हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर के विज्ञान महाविद्यालय कालवार जयपुर में। आज का टॉपिक है त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशो। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यहाँ पर देखें आप, त्रिज्या अनुपात अगर हमें पता हो जाए तो हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता लग जाएगा और उसका स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। जैसे अगर रेडियस रेशो की वैल्यू 0.155 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा। इसी प्रकार से यदि रेडियस रेशो इस रेंज में 0.155 से 0.225 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगी। इसी प्रकार से देखिए आप, 0.225 से 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। इसी प्रकार से 0.414 हो से 0.732, ये न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू के बीच की वैल्यू है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमें दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें रेडियस रेशो पता है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल अति महत्वपूर्ण है जिन्हें याद करना होता है, ये रहे एग्जाम्पल उनके। इन्हें याद करने ट्रिक क्या है, HF को है, B2O3 को बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और ये बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कोई हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी विधियों से याद करते हैं, मैं अपनी विधि से याद करूँ। आओ हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए त्रिज्या अनुपात निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जाम में प्रश्न, मैं फिर बोलूँ, इस प्रश्न को 100% कह रहा हूँ, ये प्रश्न 100% आएगा, पिछले 5 वर्षों में 5 बार आ चुका है। तो ये प्रश्न कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, वो ऐसे नहीं पूछता है कोऑर्डिनेशन 6, ऐसे ही पूछ सकता है अष्टफलक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अष्टफलकीय। अष्टफलक स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस रेशो R ऐसे लिखते हैं, रेडियस रेशो निकालिए। तो पहले मैं आपको समझाऊँ स्टूडेंट्स कि इसमें टोटल मैथमेटिक इन्वॉल्व है, और जहाँ भी मैथ्स इन्वॉल्व होती है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए और कम से कम इस चैप्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन चीज़ें क्या, पहला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के लिए कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे मत पढ़िए, मैं क्या कहता हूँ कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, त्रिभुज के लिए तो दिया गया है पाइथागोरस, तो क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग। एक बात तो ऐसे पढ़ना सीखें, एक बात समझ में आती है आपको। दूसरा, हम यहाँ पे घन की स्टडी करते हैं तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। चलो एक बात ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम घन की बात करें तो लंब जो होता है घन का वह भुजा का आधा होता है, लंब जो होता है भुजा का आधा होता है। ये 3 चीज़ें आप अच्छे से याद कर लें, इसके बाद आपको त्रिज्या अनुपात निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। लो हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हम कहें कि समन्वय संख्या 6 या अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले मैं समझाऊँ आपको कि NaCl इसका एग्जाम्पल है, NaCl इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है, जो बड़े होते हैं वो ऋणायन है, और जो छोटा होता है इन ऋणायनों के बीच में फंसा हुआ है वो धनायन होता है, तो छोटा धनायन बड़ा ऋणायन। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इन आप कहेंगे सर इस स्ट्रक्चर में हमें 1, 2, 3, 4 ऋणायन दिख रहे हैं, और समन्वय संख्या क्या है, कोई धनायन कितने ऋणायन से गिरा है या कोई ऋणायन कितने धनायन से गिरा है, ये उसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ तो 4 दिख रहे हैं सर, बाकी 2 कहाँ हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स, एक ऋणायन इस धनायन के ऊपर है और दूसरा इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, तो कुल 6 हो गए और ये अष्टफल की संरचना बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ इस त्रिभुज पे कल्पना कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे यहाँ पे भी, इस त्रिभुज पे कल्पना है A, B और C, इसमें A और C भुजा जो है 2 ऋणायनों की त्रिज्याओं का योग है,
और ए और सी भुजा, ए और बी भुजा जो है वह एक धनायन और एक ऋणायन की त्रिज्या का योग है। बी और सी जो भुजा है वह भी एक धनायन और एक ऋणायन की त्रिज्या का योग है। अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर मैं यहाँ इस त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का योग। बड़ी भुजा कौन है? आर माइनस का स्क्वायर, और ये क्या होगा? आर माइनस प्लस आर प्लस प्लस आर माइनस प्लस आर प्लस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं एक ही चीज़ है तो टू आ जाएगा यहाँ पे, और ये आर माइनस दोनों जुड़े हैं टू आ जाएगा। तो टू आर माइनस बराबर टू आर माइनस का स्क्वायर बराबर टू आर माइनस प्लस आर प्लस का स्क्वायर। अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है, मैं लंबी छोटी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ये कैसे हल कर रहा है ये जाने, अपन अपने हिसाब से हल करें। देखिए, इसको हमने काट दिया, इसको हमने काट दिया, इससे हुआ क्या, इस पे रूट आ गया। कोई लंबी छोटी कहानी नहीं, सिंपल, समझ में आता है। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो रिजल्ट आया, इसको मैं हल करूँ, अब हमारा रिजल्ट क्या आया, टू आर माइनस बराबर रूट टू आर माइनस प्लस आर प्लस, क्यों, यही तो आएगा। अब और मैं इसे हल करना चाहूँ तो आप कहेंगे सर ये रूट टू को टू से काट दीजिए, लो काट दिया हमने, तो कितना आ गया, रूट टू आर माइनस बराबर आर माइनस प्लस आर प्लस। और रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, आप बोले 1.414, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रूट टू आर माइनस माइनस आर माइनस बराबर आर प्लस कह दूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं ऐसा कह दूँ ये वन, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.414 आर माइनस माइनस आर माइनस बराबर आर प्लस। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू बच गई 0.414 आर माइनस बराबर आर प्लस, तो आप कहेंगे सर 0.414 बराबर आर प्लस बटे आर माइनस। हाँ, यही तो रिजल्ट है, यही तो इसका रिजल्ट। देखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए कभी भी नहीं पूछा गया हमसे, लेकिन फिर भी हम हल करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो है ना, हमसे कई बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी 2018 में पूछा है इन्होंने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को अगर समझ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आसानी समझ में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को हम समझें, तो 8 क्या होगा, एक धनायन 8 ऋणायनों से घिरा है। देखो कैसे, नीचे 4 ऋणायन है और बीच में एक धनायन है और उसके ऊपर फिर 4 ऋणायन। देखो ये डैश डैश करके जो बना है वो भी 4 ऋणायनों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस पर अध्यारोपित है, इस पर ओवरलैप हो गए। अगर इसको मैं बनाऊं तो आपको सीजियम क्लोराइड ध्यान होगा, वही स्ट्रक्चर है, ये 8 ऋणायन यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो गोले कर रहा हूँ ये 8 ऋणायन हैं और बीच में एक धनायन है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, इसलिए लग रहा है कि जुड़े हुए नहीं है, एक्चुअल में इस तरीके चिपके हुए हैं ये, है ना, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, चिपके हुए हैं। तो देखें स्टूडेंट, देखें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज घेरा ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी में, आप कहेंगे लंबी भुजा कौन सी है, दिख रहा है हमें ए बी भुजा, तो ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होता है। तो हमें ए बी हमें मिल गया, यहाँ पे ए बी मिल गया, कितना है, ये दोनों जुड़े हुए धनायन है, दूर दूर नहीं भैया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव की त्रिज्या, तो नेगेटिव आर प्लस और आर माइनस की त्रिज्या का योग का स्क्वायर। और बी डी क्या है, ये बी डी है इस घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, देखो यहाँ पर एक ऋणायन, यहाँ पर एक ऋणायन, टू आर माइनस है, ये भुजा यहाँ ऋणायन, ऋणायन चिपके हुए हैं, दूर दूर नहीं है, यहाँ हमने खोल के दिखाया है, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, दूर दूर है, पास पास है ना, दूर दूर नहीं पास पास है। तो ये भुजा जो है इसका आधा होगा, ये जो लम है ना बी डी, इस बी डी का मान क्या होगा, इस भुजा का आधा होगा। भुजा कितनी है, टू आर माइनस, तो आप कहेंगे इसमें टू का से डिवाइड कर दें, आर माइनस बचेगा, ये बी डी हो गया। हाँ बिल्कुल बी डी हो गया, देखिए आप, ये बी डी की वैल्यू रख दी हमने, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। और ए डी क्या है, ए डी है देखिए ये विकर्ण, अब इसका मान हमें निकालना है। मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट्स,
ये मान निकालने के लिए, क्योंकि दोनों जुड़े हुए नहीं है, दूर दूर हैं, फिर समझे इस तरह के जुड़े हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ये दोनों ऋणायन जुड़े हुए नहीं है बिल्कुल, इनके बीच में गैप है, तो एक्चुअल डिस्टेंस है कितनी है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग फिर एक और पाइथागोरस पर मिलेंगे, एक और पाइथागोरस पर मिलेंगे जिसमें त्रिभुज ए सी, और यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं ई से, ए सी ई की बात करेंगे हम, और उससे हम ए सी का जो मान निकालेंगे एक्चुअल में, ये जो ए सी का मान होगा वह ए डी के मान का दुगुना होगा, या मैं कहूँ ये ए डी जो है उस ए सी का आधा है। तो त्रिभुज ए सी ई में ए सी भुजा, याद करो विकर्ण थी क्या, हाँ सबसे लंबी भुजा थी, यही तो हमें निकालनी है, भुजा ए ई और सी ई का योग, त्रिभुज यही तो बना था, याद है ऐसा बना के ऐसा बन रहा था, और ये 2r माइनस थी, ये 2r माइनस थी, वही तो है, और ये भुजा में ज्ञात करनी है। एक्चुअल में क्या है, ये तो ऋणायन जुड़ा हुआ यहाँ से ये ऋणायन, लेकिन यहाँ पे ऋणायन और ऋणायन के बीच में गैप हो गया, इसलिए वो एक्चुअल वैल्यू हमें ध्यान नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है हमें, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो अब जो ए ई भुजा है वह एक्चुअल में दोनों भुजाएं तो बराबर है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आप कहेंगे सर ये ए सी जो है वह 2AE² होगा, बिल्कुल, और ये ए ई क्या है, या ए सी के दो चाहे ए ई के, सॉरी ये ए ई के दो चाहे सी ई के दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये एक्चुअल में 2R माइनस के बराबर है, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8R माइनस आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, √8R माइनस, या इसको हम कहें 2√2R माइनस। हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, हमें निकालना था ए डी, हमें क्या निकालना, ए डी, और हमें पता है ए डी क्या है, ए सी बाई 2, तो क्या हो गया ये 2√2R माइनस बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई √2R माइनस, ये किसकी वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है। ये वैल्यू हमने जो पहले सॉल्व किया था उस इक्वेशन में रख देंगे, लाओ रख के देखते हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन ध्यान होगी स्टूडेंट्स, ए डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ये तो वैल्यू थी हमारे पास थी ही, ये आएगी थी, ए डी का मान हमने अब निकाल लिया, क्या √2R माइनस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं भाई। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2R माइनस स्क्वायर और ये R माइनस, तो दोनों हम जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 2 × 3, तो 3R माइनस स्क्वायर, और अगर मैं इस स्क्वायर को हटाना चाहूँ तो क्या होगा, R पे आ जाएगा रूट, और इस R पे से स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट नहीं भैया इस पर, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। और √3 की वैल्यू कितनी है, सीधा मैं इसको यहाँ हल करूँ, R प्लस प्लस R माइनस बराबर √3R माइनस, और इसकी वैल्यू 1.732R माइनस बराबर R प्लस प्लस R माइनस, तो मैं R प्लस बराबर ऐसा कह दूं कि 1.732R माइनस माइनस R माइनस, तो आप कहेंगे सर 0.732R माइनस, और ये R प्लस तो था ही हमारे पास, और R प्लस बटे R माइनस कितना आ जाएगा 0.732, क्या यही वैल्यू आ रही है, देख लें आप। समन्वय संख्या 4 के लिए हमें अब रेडियस रेशो निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की संरचना होगी, जैसे मेथेन के अंदर होती है आप जानते हैं सभी, 109 डिग्री 28 जो कोण होता है उसको, जो आप याद होगा आपको 11th वाला वही चीज़ है, लेकिन इसको घन में कैसे निरूपित करें, ये बड़ा मुद्दा है, घन में हम इसको कैसे निरूपित करते हैं, घन में 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे हैं, तो इसमें जो आमने सामने के कोनों पर, अगर अगर आमने सामने कोनों पर ऋणायन मौजूद होते हैं
और नीचे वाले के अंदर क्या होगा, जो ऊपर ऑक्यूपाई हुए थे कोने, उस पर नहीं, इस पर नहीं आएगा बल्कि इसके सामने वाला। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर निरूपित की जाएगी। इसको अच्छे तरह समझे बेटा, अगर ये नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें। तो आप कहेंगे सर इसमें हमें ये पता लग गया कि इस एसी का मान तो दिख रहा है हमें, दो ऋण आयनों की वैल्यू आर माइनस की वैल्यू है, बिल्कुल सही, हमें इस ए बी की वैल्यू पता लग रही है, लेकिन हमें जो पता नहीं लग रहा है वह पता नहीं लग रहा भुजा, क्योंकि अगर भुजा नहीं पता है तो हमें ए डी भी पता नहीं होगा। ए डी क्या लंब है और लंब क्या होता है भुजा का, भुजा हमें पता ही नहीं है। देखिए ये यहाँ पे कोई है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं तो भुजा कितनी हुई नहीं पता हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करें समझिए, कोशिश करते हैं समझाने की आपको। फिर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आप कहेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ए बी भुजा जो है वह धनायन और ऋणायन की त्रिज्या है, और ये जो भुजा है कौन सी, ये ए डी एक्चुअल में ए सी का आधा है, और ए सी क्या है, ए सी है टू आर माइनस। तो ये वैल्यू अब ए डी क्या होगी, आर माइनस रह गई, ठीक है। और बी डी क्या है, भुजा का आधा, भुजा तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे, भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हुआ हमारे पास, तो पहली इक्वेशन क्या आई हमारे पास स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन आई आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर फिर बी डी का स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर, ये हमारा पहला समीकरण बना। हमें भुजा पता लग जाए तो बी डी पता लग जाए, और बी डी पता लग जाए त्रिज्या अनुपात पता लग जाएगा हमें, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका। तो हम अब त्रिभुज कौन सा कंसिडर करें, ए सी ई को कंसिडर करते हैं, और ए सी ई में सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और आपको पता है भुजा किसी भी घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो चाहे 2AE कह दें चाहे 2CE कह दें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं कौन है। और AC की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू क्या पता है हमें, हमें पता है 2R माइनस पता है हमें, क्योंकि R माइनस का तो योग है, 2R माइनस पता है, तो 2AE स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दूं, हट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब यहाँ पे रूट आएगा तो इसको इससे काट दूं तो क्या बचेगा, रूट रूट टू आर माइनस बराबर ए, यानी भुजा का मान आ गया। अगर भुजा का मान आ गया तो मुझे क्या चाहिए था, लंब का मान, और लंब का मान कितना है स्टूडेंट्स, भुजा का आधा। यानी अगर मैं बी डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा बी डी बराबर ए बटे टू, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू है रूट टू आर माइनस बटे टू, तो ये से कट गया तो क्या वैल्यू आई, आर माइनस बटे रूट टू। ये मान समीकरण एक में रख दूं, यानी ये वैल्यू मैं समीकरण एक में रख देता हूं, तो वैल्यू क्या आएगी, आर प्लस प्लस आर माइनस बराबर क्या आएगा, आर माइनस बटे रूट टू का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है भाई, ये भी स्क्वायर है, प्लस आर माइनस का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू होगी क्या, आर माइनस बटे टू प्लस आर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा भाई इस पर, और ये वैल्यू तो आपको दिख रही है, इसको सॉल्व कर लूँ मैं, आर माइनस बाई टू आर माइनस स्क्वायर बाई टू प्लस आर माइनस स्क्वायर, तो हल करने पर थ्री बाई टू आर माइनस स्क्वायर, और ये कितना है, आर प्लस प्लस आर माइनस स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को हटाना चाहूँ तो आर प्लस प्लस आर माइनस बराबर है रूट थ्री बाई टू आर माइनस, आर प्लस बराबर 1.255, ये वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू की, आर माइनस माइनस आर माइनस, तो वैल्यू कितनी बची, 0.255 आर माइनस आर प्लस के इक्वल हो गया। तो
तो आर प्लस बटे आर माइनस बराबर कितना बचा 0.255। ये कितना हो गया, समन्वय संख्या चार के लिए त्रिज्या अनुपात हो गया। आओ समझें त्रिज्या अनुपात की सीमाएं। धनायन के पैकिंग के समय ऋणायन छिद्रों के बीच में फिट हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है जिससे छिद्र दब जाते हैं, कई बार ऐसा होता है तो क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाती है। एक सीमा तो यह है कि भाई ऋणायन छोटे होते हैं दब जाते हैं बेचारे, कई बार काउंटिंग में नहीं आ पाते हैं। दूसरा, आयनिक त्रिज्या घटने या बढ़ाने पर त्रिज्या अनुपात आसानी से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, जिससे क्रिस्टल की सही संरचना का अनुमान नहीं लग पाता है। तीसरी बात, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण आने पर त्रिज्या अनुपात का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये इसकी तीन सीमाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाले प्रश्नों में से है। इसे अच्छे से लर्न करके जाएं। इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस।